तो गाइस आप ये देख रहे हैं जय यमकेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश द्वार। तो दोस्तों आपको अभी मंदिर दिखाता हूँ, पीपल कोटी मंदिर। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे जा ही नहीं पाता हूँ। ये आप देख रहे हो सामने, इतना अच्छा मंदिर है। पैदल 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 जाते हैं बिल्कुल वहाँ चोटी पे, ऊपर सबसे ऊपर चोटी पे यही है। मैं जब भी आता हूँ या तो जल्दी में आता हूँ या फैमिली के साथ आता हूँ, फैमिली जाने नहीं देती। ये मंदिर है तो नेक्स्ट टाइम अगर छुट्टी लेके मैं आऊँगा तो जरूर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और आपको यहाँ जरूर वीडियो बनाऊँगा। ये देख सकते हैं नीलकंठ मंदिर, यहाँ से एक अलग रास्ता कटता है ये सूर्य देवता, और यहाँ से निकल जाएगा सीधा नीलकंठ के लिए, यहाँ से है 5 किलोमीटर और। तो ये हो गया मोड़ अपना, एकदम यू टर्न मोड़ नीलकंठ जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर। तो ये ब्लेरो जा रही है, यहाँ पे ब्लेरो जाती है, ब्लेरो पहले जिप्सी चलती थी, आजकल जो है सारी ब्लेरो चलती है। तो ये वहाँ से 120 रुपये 180 रुपये कुछ लेती है, हरिद्वार से भी अगर चलती है वहाँ से, हर की पौड़ी से आपको पकड़नी हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी एक फेवरेट जगह दिखाऊंगा, जहाँ मैं जब भी आता हूँ मैं रुकता जरूर थोड़ी देर के लिए। वहाँ पर दिक्कत हो रही है क्योंकि खड़ी खड़ी एकदम खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, ये देख रहे हो आप, यहाँ हमारी बाइक कर रही है ना बाबा ना बाबा ना बाबा लेकिन हम फिर भी लेके जा रहे हैं, चल रही है, सब नीचे टूटता जा रहा है, ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं। भाई यहाँ से रहेगा 3 किलोमीटर और, फिर बाबा जी के दर्शन कराऊंगा आपको। ऐसे वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है अंदर, कोशिश करूँगा दर्शन कराने की, अगर इतनी दूर आए तो दर्शन नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। गाड़ी वैसे आने लोग स्टार्ट हो गए, आप देख सकते हो कैसे रास्ता जा रहा है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, बहुत टाइम लगा। यहाँ पे पहाड़ है अच्छे, और जो केदारनाथ की साइड में महादेव महादेव देखो, बिल्कुल छोटी छोटी पे यहाँ मंदिर भी बने हुए हैं, घर भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो लोग कहाँ नहीं पहुँच गए लोग, भाई साहब इंसान हर जगह पहुँच गया है, हर जगह जहाँ आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पहुँच चुका है। हाँ मिश्रा जी कह रहे हैं धन्नो चल, धन्नो अटक रही है, आप देख रहे नजारा है कि भाई आ रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी का अलग ही मजा है गाड़ी के छत पे खड़े होने का, गाड़ी का मजा रो रही है। नीलकंठ में हम एंटर हो चुके हैं, ये पार्किंग है इधर, ठीक है, और लेकिन हम पार्किंग में आके बिल्कुल अंदर तक जाएंगे। पार्वती जी सीधा, और ये शक्तिपीठ मंदिर है किधर भी है कोई ऊपर, आपको जाना तो जा सकते हो साइकिलिंग करते हुए। आराम से आराम से आराम से बिल्कुल आराम से। तो सामने देखो नीलकंठ की वो पार्किंग है, जगह हम अपनी बाइक पे ले जाएंगे बिल्कुल अंदर दुकान के पास, और ये नज़ारे आप देख सकते हो खूबसूरत वादियों के नज़ारे देख रहे हो, है ना, मैं तो देख सकता तू मत देख। अच्छा भाई साहब देख के डर लग रहा है ना, देखा तो हो गया, क्या हो गया भाई, कहाँ पहुँच गया।
हम पहुंच चुके हैं, ये दुकान है यहाँ की, ये खंड की सुबह सुबह दुकान लगनी स्टार्ट हो रही है क्योंकि हम मॉर्निंग पहुंच गए। हम पहुंच गए 7:37 पे और हम निकले थे 5:45 पे, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर मकान है कितने सारे, एक कैथल वालों की सीधा सीधा चलता रहे बरसात के एक चलो 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 चल चल आगे चल भाई पार्किंग। अरे ऐसा हमें पता है, चल। अरे चल दादा, यहाँ बोलते हैं पार्किंग नहीं है, लेकिन आप ले जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नए लोग हैं वो जानते नहीं है, हम तो जानते हैं, तो ध्यान से चलो, चल अंदर ले चल सीधा। हम पहुंच गए हैं नीलकंठ की मार्केट में। चल 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 क्यों ये लोग, अरे तू चलता रहे ना, वो उनका काम है बोलने का। ये दुकान वाले प्रसाद के लिए इतना झूठ बोलते हैं कि आगे पार्किंग नहीं है, नहीं है, ये गलत बात है लोगों की। अगर जिसको लेना होगा वो यहाँ से ले लेगा, जिसको रुकना होगा रुक लेगा, ठीक है। तो पार्किंग अंदर तक है, उसकी चिंता मत करो आप ले जाओ बाइक से, ठीक है। ये कितना बढ़िया यहाँ पे बना दिया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आप पहुंच गए हर हर महादेव, जय बाबा नीलकंठ की। थाम ले इसने, तो हर हर महादेव। हम नीलकंठ पहुंच गए यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की गलत वीडियो होगी, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं नज़ारा देख सकते हो, चाहते रहो।